सर्वे के अनुसार हमारे देश यानी कि भारत में हर 10 में से 3 व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन की समस्या से ग्रस्त है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, कई दिनों तक पेट में आपका मल का पड़ा रहना, वो जो आपने खाया है वो कई दिनों तक आपके पेट में सड़ता रहता है और आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को हम कब्ज कहते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। कब्ज होने के कारण आपको चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, आप अच्छे से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी, ब्लोटिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये अपने आप में दिखती छोटी सी है, लेकिन धीरे 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 खतरनाक बीमारी का रूप ले लेती है। फिर आपको बुखार और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना, आपका खान पान कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, किस जगह पे आप रहते हैं, खैर वो सब अगर मैं छोड़ दूँ, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 ऐसे आसन, 4 रामबाण आसन। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, लेकिन आज इस पहली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 ऐसे आसन जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर देंगे। पहले ही दिन से आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, लेकिन हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बोला है पहला दिन तो पहला ही दिन, हो सकता है किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन लग जाए, बट यस, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आपको डेडिकेटेडली फॉलो भी करना है। ओके, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। कितनी बार करना है, कितनी देर करना है, वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। सो दोस्तों, ये है हमारा पहला आसन और इसे हम कहते हैं मंडुकासन। मंडुकासन, मंडुक का मतलब होता है कि मेंढक की तरह पोजीशन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने दोनों मुट्ठियों को नाभि के पास रखा, सांस छोड़ दी और मैं आगे झुक गया। अब मैं आगे आंखें खोल कर देख रहा हूँ, ठीक है। तो इस पोजिशन में आप तकरीबन 20 सेकेंड कोशिश करें कि रोक सकें, नहीं रोक पाएँ तो कोई बात नहीं, 10 सेकेंड तो ज़रूर करें। इससे आपके पेट की मांसपेशियों को, आपकी इंटेस्टाइन्स को, आपकी पेनक्रियास को अच्छी खासी एक्सरसाइज मिल जाती है, और जो भी लोग कब्ज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये किसी रामबाण आसन से कम नहीं है। अब जो दूसरा आसन हम करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं मयूरासन। मयूरासन का मतलब होता है मयूर जैसी, यानी कि मोर जैसी आकृति बनाना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मेरी ग्रिप देख लीजिए, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, फिर मैं आगे झुक रहा हूँ और मेरे हाथों की जो कोहनियाँ हैं वो देखिए पसलियों के पास मैंने टिका दी और अब मैंने अपना बैलेंस बना दिया। शुरुआत में ये आसन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी समस्या आ सकती है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एक दफ़ा जब आप करने लगेंगे तो आपको इसके बड़े फ़ायदे होंगे। पेट के लिए आसन बहुत अच्छा, हालांकि बहुत सारे पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन नाम से ही क्लियर है, पवन मुक्त होना, यानी कि हमारे पेट में जो गैस भर जाती है जिसके कारण हमारा जो डाइजेशन इफेक्ट होता है उसे दूर करने के लिए आसन किया जाता है। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपने अपने पैरों को मोड़ दिया, एक पैर को मोड़ दीजिए, एक पैर को सीधा रखिए। जिस पैर को मोड़ दिया है उसे अपनी छाती से लगा दीजिए एंड फिर खुद आगे उठिए, अपनी ग्रिप बनाइए। देखिए मैंने हाथों की किस तरीके से ग्रिप बनाई है। आगे उठिए और अपनी नाक को लगा दीजिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर आप रोक पाएँ उतनी देर रोकिए। फिर दूसरे पैर से सेम प्रक्रिया को दोहराना है। यह आसन बहुत ही खास है जो भी लोग कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें एसिडिटी और गैस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे पेट के डिफरेंट ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा हार्मोनल बैलेंस बन जाता है, बहुत ही खास है। अब मैंने दूसरे दोनों पैरों से कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, फाइनली पूर्ण पवन मुक्तासन, यानी कि अब दोनों पैरों को मोड़कर मैं सेम पोजिशन करने वाला। तो दोनों पैरों को मोड़ दिया, ग्रिप बनाई और सेम पोजीशन अब मैं फिर से करूँगा। आप दोस्तों मेरी बात माने ना माने, यह आसन आप जब सुबह पानी पीते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप यह आसन करेंगे ना, तो आपके पेट में जो भी गंदगी होगी, जो भी मल साफ़ नहीं हो रहा होगा, वो साफ़ होने लगेगा। बिलीव मी, ट्राई कीजिए, 2-3 दिन करके तो देखो, फिर फ़ायदा जब आपको मिलने लगेगा तो आप खुद करने लगेंगे। सो दोस्तों, अब जो हम अपना लास्ट आसन करने जा रहे हैं आज की सीरीज़ का, इसका नाम है हलासन। हल आसन नाम से ही क्लियर है, यानी कि खेतों में हमने जैसे किसानों को हल चलाते हुए देखा है, उसी से इंस्पायर्ड है इसका नाम हलासन। तो देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं लेट गया, मैंने अपने कंधों पर खुद को उठा लिया, पैरों को ऊपर उठाया एंड मैंने फिर पीछे पैरों को मोड़ दिया, ठीक है। शुरुआत में यह आसन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए क्योंकि यह आसन बहुत ही अनोखा है। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो या ना हो, फिर भी आप इसको ज़रूर कीजिए। इसमें आपके पैरों की, आपके हर एक अंगों को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है, लेकिन जब बात करें पेट की तो इससे बेहतरीन आसन कोई नहीं हो सकता। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बेहतरीन आसन है। थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड कीजिए, शुरुआत में मुश्किल होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ बनाइए अपने आप को और बहुत बेहतरीन आसन है, बहुत
अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे उन लोगों को जो लोग डाइजेशन से सफ़र करें और फिर धीरे धीरे वापस अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगे।